आज सुमित, आज इस वीडियो में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही डीप डीप मैसेज और डीप लेसन वाला मैसेज शेयर करने आया हूं मैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि ये लाइफ का क्रक्स है, हमारी जिंदगी का निचोड़ है। बहुत अच्छा मैसेज है, अगर इसको आपने पूरा सुन लिया, समझ लिया और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सीख लिया तो अपनी लाइफ के हर मोमेंट को आप जीना स्टार्ट कर देंगे और हर मोमेंट को जीना सीख जाएंगे। और मैं रिपीट करूंगा, लाइफ का क्रक्स है ये मैसेज। कहते हैं कि भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। भूतकाल व्याकुल करे, जो भी हम लोग की एज है इस वक्त, हम सबका कोई ना कोई पास्ट रह चुका हुआ, अच्छा बुरा, मिक्स इमोशंस एंड मिक्स एक्सपीरियंसेस। लेकिन बाहर बहुत सी दुनिया है जो अपने भूतकाल में, अपने पास्ट में ही जीती रहती है। वो काश में जीते रहते हैं कि काश मैंने उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं आया होता है, नहीं आई होती, काश मैंने उस पर्सन को अपना बिजनेस पार्टनर ना बनाया होता, काश मैंने उस पर्सन पे इतना ट्रस्ट नहीं किया होता, काश काश काश, और वो काश में जीते रहते हैं। और वो भूतकाल में जीने के कारण, पास्ट में जीने के कारण अपने प्रेजेंट मोमेंट पे ना तो फोकस कर पाते हैं, ना तो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं। तो वो लोग भूतकाल में ही जीते रहते हैं। भूतकाल जब आप याद करेंगे, पास्ट याद करेंगे, हमेशा आपको रिग्रेट्स ही आएंगे, हमेशा रिग्रेट्स आएंगे जब आप पास्ट के बारे में याद करेंगे। और आगे क्या कहते हैं, भविष्य भरमाए और भविष्य भरमाए। फ्यूचर की टेंशन ले लेकर हम लोग डर और एंजाइटी में जीते रहते हैं। जब हम फ्यूचर की टेंशन लेते हैं, हमारे अंदर डर आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है। और जिस तरह के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, आप देखिए अपने आसपास कितने लोग इस टाइम एंजाइटी से गुजर रहे हैं, कितने लोग एंजाइटी हो रही है, कितने लोग इस टाइम डर के कारण जी रहे आगे। और इस डर के कारण, एंजाइटी के कारण वो अपने आज पे फोकस ही नहीं कर पा रहे, अपने आज को जी नहीं पा रहे, अपने आज को एंजॉय नहीं कर पा रहे। और वो सिर्फ डर और एंजाइटी, फ्यूचर की टेंशन लेकर उसी में अपना दिन निकाले जा रहे हैं। तो क्या हल है इसका, क्या सोल्यूशन है? गाइस, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। जो है गाइस वो यही है, ये प्रेजेंट मोमेंट, आज का दिन, अभी का ये मोमेंट। तो भविष्य की टेंशन छोड़ के, अपने फ्यूचर की एंजाइटीज को निकालकर और पास्ट के रिग्रेट्स को निकालकर आज पे फोकस कीजिए, इस प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस कीजिए, प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि हंसो जिए मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। तो आज में जीना सीखिए, इस प्रेजेंट में जीना सीखिए। एंड लास्ट में सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि लिव दिस डे एज इफ इट्स योर लास्ट, लिव दिस डे एज इफ इट्स योर लास्ट। और जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया कि अपने हर दिन को इस तरह जीना स्टार्ट कर दिया कि आपका जिंदगी का लास्ट दिन है, तो अपने दिन के एक मिनट को भी ना तो पास्ट के रिग्रेट्स को लेकर, ना फ्यूचर के टेंशन को लेकर वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि कल किसी ने भी नहीं देखा, नोबडी नोज कि कल होगा क्या, कि कल हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। तो जो है आज का मोमेंट है, आज के दिन को खुल के जिए, खुल के सेलिब्रेट कीजिए एंड लिव दिस डे एज इफ इट्स योर लास्ट। तो मेरी तरफ से इतना ही था। ये मैसेज कैसा लगा लाइक कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो अपने फैमिली फ्रेंड्स लव वन्स सबसे शेयर कीजिएगा। हमें नहीं पता कब, किसकी, कहां, कैसे हम लोग जिंदगी बदल देंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, प्रेजेंट में जिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।